हेलो गाइस, क्या हाल है तुम सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोरेमोन स्टैंड बाय मी टू, जो कि आप लोग को पूरा इंटरनेट पर कहीं पे भी हिंदी में नहीं मिलने वाली है। तो आज मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करूंगा। आई होप तुम लोग को ये वाला वीडियो मजा आएगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। खैर, मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि नोबिता जो है वो वापस जा रहा है और जियान सुनियो और डेकी सुगी उसको सी ऑफ करने आते हैं। वो उसको कह रहे होते हैं कि कल तुम्हें जल्दी आना क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। तभी डेकी सुगी कहता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। तो वो नोबिता और जियान सुनियो वगैरह मान जाते हैं और फिर नोबिता घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर जा रहा होता है और रास्ते में उसको डोरेमोन की याद आती है, जैसे कि आपको पता है कि डोरेमोन फ्यूचर के अंदर नहीं है, तो उसको डोरेमोन की याद आती है। और तभी हम लोग को छोटे डोरेमोन और नोबिता दिखते हैं। तभी डोरेमोन छोटे भाई नोबिता को ये कहता है कि अब हम लोग को वापस चलना चाहिए, इनकी शादी बाद में देखेंगे। नोबिता कहता है ठीक है और वो लोग वापस चले जाते हैं। तो और वापस में हम लोग को ये दिखाते हैं कि जो नोबिता है वो स्कूल से वापस काफी ज्यादा खुशी में आता है और वो इसलिए बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। तो जैसे ही अंदर अपनी मॉम को ये बताने के लिए जाता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तभी उसकी मॉम उसका टेस्ट पेपर उसको दिखा देती है कि ये क्या है, तुम टेस्ट में 0 क्यों लाए। तो नोबिता यही बता रहा होता है कि आज उसका बर्थडे है तो माफ कर देना, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा डांटती है और वो रोते रोते ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है तो डोरेमोन भी उसको यही कहता है कि गलती तो तुम्हारी थी जो तुम्हें मॉम ने डांट दिया। तो नोबिता फिर से नाटक करने लग जाता है कि मेरी असली मॉम कहाँ है, मुझे किन के हवाले कर दिया। तभी एकदम उसका ध्यान जाता है छत पे जहाँ पे डोरेमोन अपने गैजेट लगा रहा था। तो नोबिता उससे पूछता है कि ये क्या है, तो डोरेमोन बताता है कि उसने एक गैजेट की मदद से सबको ऊपर कर लिया क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा गंद था। और डोरेमोन नोबिता को मना करता है कि किसी भी गैजेट को हाथ नहीं लगाना है। फिर भी नोबिता एक गैजेट को हाथ लगाता है जो कि एक सॉर्ट टाइप होती है, तो डोरेमोन उसे छीन लेता है। तभी नोबिता पूछता है कि ये गैजेट है क्या, तो डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट को अगर किसी को मैं मारे तो वो कुछ देर के लिए अपनी पुरानी यादें भूल जाता है। अगर इसे मार लगे तो हम कुछ देर के लिए पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो नोबिता डोरेमोन पे गुस्सा होता है कि ये तुम मुझे पहले दे देते तो मैं मॉम को एक शॉट हल्की सी मार देता और वो भी अपनी पुरानी 0 मार्क्स वाली यादें भूल जाती। तो उसके बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वो गैजेट मुझे दे दो ताकि मैं वो मॉम को मारूं और मॉम फिर मुझे नहीं डांटेंगी। लेकिन डोरेमोन उसको मना कर देता है और अपनी पॉकेट के अंदर रख लेता है अपनी शॉट। लेकिन तभी नोबिता बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और अपने टेबल का सबसे नीचे वाला ड्रॉर खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे 0 मार्क्स वाले पेपर पड़े होते हैं। तो डोरेमोन को वो दिखाता है कि मेरे पास इतने सारे 0 मार्क्स वाले पेपर हैं। पर यहीं पर नोबिता डोरेमोन से काफी ज्यादा जिद करने लगता है कि उसको वो सॉर्ट वाला गैजेट दे दे। उसके सारे टेस्ट पेपर भी रूम में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो तभी नोबिता का ड्रॉर खोलता है और वहां से गैजेट आता है और डोरेमोन वो गैजेट को काफी खुशी से पकड़ता है और कहता है कि ये तो फ्यूचर से आया है। फिर जब नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ये क्या है, तो डोरेमोन बताता है कि कभी कभी जो फ्यूचर डिपार्टमेंट वाले हैं वो मुझे ये भेजता है ताकि मैं अपने गैजेट्स को चेक कर सकूं और इस गैजेट का नाम है स्विच रूम। तभी डोरेमोन ने एक तार पकड़ी हुई होती है लेकिन तभी नोबिता दूसरी तार पकड़ लेता है। तभी आवाज आती है स्विच रूम और वो दोनों एक दूसरे के अंदर स्विच में लग जाते हैं, यानी कि नोबिता डोरेमोन की बॉडी में जाने लग जाता है और डोरेमोन नोबिता की बॉडी में जाने लग जाता है। उसके बाद डोरेमोन जो कि नोबिता के शरीर में है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और उसके बाद नोबिता को कहता है कि इस रूम को पकड़ो ताकि हम फिर से अपने अपने जिस्म में आ जाए और फिर रिवर्स हो जाता है और डोरेमोन डोरेमोन बन जाता है और नोबिता बन जाता है। उसके बाद जब वो लोग अपने अपने शरीर में होते हैं तो एकदम से नोबिता क्या कहता है, नोबिता कहता है कि डोरेमोन हम लोग फिर से एक बार बदल जाते हैं और तुम मॉम की डांट खा लो। डोरेमोन उसको मना करता है और इतनी देर में वहां से एक धुआं सा आता है और वो नोबिता को लग जाता है और नोबिता गिर के बेहोश हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो लेटा ही रहता है। तभी नोबिता उठ जाता है और एकदम कहता है उसका ये मतलब था और जल्दी से जाके टाइम मशीन को देखता है जो कि उसके ड्रॉअर में है और कहता है काम हो गया। उसके बाद नोबिता को डोरेमोन पूछता है कि तुम ये टाइम मशीन के ऊपर क्यों बैठने लगे हो, क्या कर रहे हो। नोबिता कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक करके आता हूँ और वो चला जाता है। तभी अगले ही सेकंड जो नोबिता है वो वापस आ जाता है। डोरेमोन और नोबिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं और नोबिता एकदम वापस आके कहता है ये मैं क्या कर रहा था। तो वहीं पे डोरेमोन को सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि नोबिता क्या कर रहा है इतनी देर से। फिर नोबिता कहता है कि असली प्रॉब्लम तो मेरे 0 मार्क्स वाले टेस्ट हैं और इनको मुझे छुपाना होगा। वो पूरा का पूरा ड्रॉर निकाल के अपने हाथ में ले लेता है ताकि वो उन टेस्ट पेपर को छुपा सके। वो डोरेमोन को मदद करने के लिए कहता है और तभी नोबिता के मॉम की आवाज आ जाती है और वो ऊपर आ रही होती है। तभी वो लोग पूरा वही ग्रेविटी वाला गैजेट यूज करते हैं और पूरे टेस्ट पेपर्स और गैजेट्स वगैरह ऊपर ले जाते हैं और नोबिता की मॉम को लगता है कमरा खाली है और वहां
फिर नोबिता डोरेमोन है ही नहीं। जब डोरेमोन और नोबिता मॉम से छुप रहे होते हैं और डर रहे होते हैं तभी वहाँ एक इनविजिबल डोरेमोन आता है और एक गैजेट उठा के जल्दी से चला जाता है। तो नोबिता उसको ऊपर ही कहीं कार्टन में छुपा देता है अपने टेस्ट पेपर्स और कहता है ये जगह बिल्कुल सही है। तभी उसको साइड में एक बेयर दिखता है और वो उसको बड़ी खुशी से पकड़ लेता है। फिर डोरेमोन से पूछ रही ये क्या है, तो वो बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो वो इस टॉय से खेलता था और उसकी दादी जो है उसने ही ये टॉय उसको सीख के दिया था। तभी वो कहता है कि वो कहाँ है और एकदम से एक बुक निकालता है। उसके बाद वो बुक को थोड़ा सा आगे करता है और उसकी दादी की फोटो आ जाती है जो कि वो डोरेमोन को दिखाता है। उसके बाद नोबिता अपनी दादी को याद करने लग जाता है कि कैसे दादी उसका ख्याल रखा करती थी। उसके बाद नोबिता दादी को याद करके रोने लगता है कि दादी तो अब नहीं रही, अब मुझे कौन ऐसे प्यार करेगा। और उसके बाद डोरेमोन जब उससे पूछता है क्यों रो रहे हो, तो नोबिता कहता है कि उसको फिर से दादी माँ से मिलना है। एकदम नोबिता कहता है कि हम एक चीज कर सकते हैं कि हम टाइम मशीन से पास्ट में चले जाए। जैसे वो टाइम मशीन में बैठे रखता है तो डोरेमोन उसको बताता है कि दादी तुम्हें देख के नहीं पहचान पाएंगी क्योंकि अभी तुम बहुत बड़े हो गए हो, तब तुम नर्सरी में थे। तो नोबिता कहता है कि हम ये चीज कर सकते हैं कि हम दादी माँ को छुप के देखे जिससे वो हमें ना देख पाए। उसके बाद डोरेमोन मान जाता है और कहता है कि ठीक है हम दादी माँ को थोड़ी सी देर देख के वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं टाइम मशीन से वहां जब नोबिता 3 साल का था उस टाइम पे। उसके बाद वो लोग दादी के गार्डन में आ जाते हैं।